करना कि सारी दुनिया देखती रहे। ऑल द बेस्ट। मोहित की उड़ान का तो आसमान भी काला है मेरे दोस्त। क्या बात है। ग्लाइडर तो यहीं गिरी थी, मैंने देखा था। अरे कहीं मोहित डूब तो नहीं गया इस झील में? पागल हो गया क्या? मोहित तैरना बहुत अच्छे से जानता है। इसको ढूंढते हैं यार, यहीं पर कहीं होगा। मोहित, 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 क्या तुम हमें सुन सकते हो? कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें डराने के लिए मजाक कर रहा है? अरे हाँ, याद है पिछली बार उसने हमारे साथ ऐसा ही मजाक किया था। अरे हाँ यार, कहीं यहीं छुपकर हमारा तमाशा देख रहा होगा। चलो यार चलो, उल्लू नहीं बनना इस बारे में। मोहित, हम जानते हैं कि तुम ठीक हो, हम जा रहे हैं।
घर लौट आना। बाय बाय मिस्टर मोहित। बाय बाय मोहित। क्या हुआ यार? पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है। इंजन गर्म हो गया है, रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा। एक मिनट यार। ये लो, पानी को भी अभी खत्म होना था। टेंशन नहीं भाई, पीछे देख, पानी के लिए इतनी बड़ी झील है, मैं जाके लेके आता हूँ। दे। चलो यार साहिल, मुझे दो दिन के लिए तो अपनी गाड़ी दे सकता है? हाँ ले ले, लेकिन क्यों? अरे यार वो महाबलेश्वर में पापा की प्रॉपर्टी है ना, उसके कुछ पेपर साइन करवाने। ठीक है, लेकिन हमें घर तो छोड़ देगा ना? क्या मुझे तुम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा? तो? अरे मुझे तो लगा था तुम लोग पैदल ही चले जाओगे। अबे तेरी। आ गया पानी। अरे वाह। अरे ये तेरे हाथ को क्या हो गया यार? लगता है झील का पानी गंदा था इसलिए एलर्जी हो गई। छोड़ना, कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। चल अब। चल राज, एंजॉय कर, दो दिन बाद मिलते हैं। हाँ यार। साहिल थैंक्स, तूने मुझे अपनी गाड़ी दी है। अरे थैंक्स की क्या बात है, तो मेरा है और तेरा भी है, सिवाय बीवी कुछ और। चल यार वापस तुझे फोन करना होगी। पक्का। बाय। मिलते हैं। सी यू यार। मिलते हैं। थैंक्स यार। चल यार। See you. See you. Bye. चलो भाई। चलो। हाँ जी बोलिए सर। गाड़ी वॉश करानी थी। अच्छा ठीक है, आप उतर जाइए, गाड़ी को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। नहीं यार मैं खुद ही चला लेता हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस करके देख लूँ। बाहर से पानी आ रहा है, मैं अंदर बैठा हूँ। तो ठीक है चढ़ाइए।
सर जी गाड़ी नीचे लो, वॉश हो गया सर जी। सर जी खून, ये तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। ये यामिनी की। ख्यालों में खोया है कोई, यादों में खोया है कोई। राघव ये तुम क्या कर रहे हो? गाना गा रहा हूँ यार। यादों में खोया है कोई। प्लीज राघव, अगर तुम ऐसे ही बेसुरे गाओगे ना तो रेस्टोरेंट वाले में बाहर फेंक दूंगी। ख्यालों में खोया है कोई। राघव ओके। अच्छा यामिनी बताओ तो सही, तुम किसके बारे में सोच रही हो? है कोई जिसने मेरा दिल चुराया है। क्या बात कर रही हो, कौन है वो बदनसीब? सॉरी खुशनसीब। क्यों तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो जानने के लिए? तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है। बस है कोई। वैसे इंसान ही है ना, पता चला किसी आत्मा से दिल लगा बैठी। अगर जल्द हम सब अपने अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो शायद वो दिन भी दूर नहीं। Actually, चलो जल्दी से कॉफी पी लो, हमें झील पे भी जाना ना शूटिंग करने के लिए। पता नहीं इस बार दुर्जन कौन सी आत्मा से पिटवाने वाला है हमें। वैसे यामिनी असली बात है, तुम पलटी मार गई। कौन सी बात? वही दिल चुराने वाली। राघव प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, चलो चलते। अरे अरे यामिनी, यामिनी तुम्हारी स्मूदी। यार ये तो बुरा मान गई यार। तुम भी ना, तुम हमेशा उसे तंग करते रहते हो। यामिनी, अरे यामिनी तुम्हारी स्मूदी। यार ये प्यार दिखाना भी प्रॉब्लम, जताना भी प्रॉब्लम। यार ये कमबख्त इश्क। पीयूष, पीयूष क्या बात है? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, क्या बात है? अरे हम लोग वो मोहित को ढूंढने के लिए गए थे, उसके ग्लाइडर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी ना। प्रॉब्लम आ गई थी? क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या गायब हो गया? हाँ मिल ही नहीं रहा। तो फिर अब क्या होगा? अब होगा क्या, आ जाएगा खुद म खुद, पिछली बार भी तो उसने ऐसे ही मजाक किया था ना। अच्छा तो ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। क्या आलू के पराठे, क्या बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? वो लगता है झील के पानी से कोई एलर्जी हो गई। तुम झील की तरफ गए थे? अरे तुम्हारी तो पूरी जैकेट खिली हो गई है, लाओ इसे मैं उतार देती हूँ। तुम जाओ तैयार हो जाओ।
हेड अचानक बढ़ कैसे गई? लो, झील पे तो आ गए, पर रिकॉर्डिंग किसकी करनी है? इस झील की, इसलिए दुर्जन ने हमें यहां भेजा है। जरूर इस झील में कोई शैतानी शक्ति होगी। हाँ, दिखने में ही इतनी डरावनी लग रही है ये झील। चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। झील तो रिकॉर्ड हो रही है, पर कोई आत्मा ही नहीं दिख रही। ऐसे तो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, मुझे इस झील के अंदर जाना ही होगा। नहीं हर्ष, दुर्जन ने हमें चेतावनी दी है कि हम भूलकर भी झील के अंदर नहीं जा सकते, झील के पानी को छू तक नहीं सकते। पर यामिनी, बिना अंदर जाए हम वो आत्मा को देखेंगे कैसे? हर्ष, यामिनी, वो देखो। लगता है कोई ग्लाइडर ग्लाइडिंग करते हुए झील में गिर गया।
स्काई हाई ग्लाइडर्स, हमें इनके ऑफिस में जाकर इनको बताना चाहिए। हाँ, और शायद वहां से हमें इस झील के बारे में कुछ और भी पता चल जाए। अरे ये मोहित का ग्लाइडर, उस दिन तो दिखा नहीं था यार हमें। जरूर इस पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस पानी की वजह से आज मेरी बीवी गायब हो गई। क्या बोल रहा है यार, होश में है तू पीयूष? अरे होश खो बैठा हूँ मैं यार, मेरी बीवी गायब है, मेरा दोस्त गायब है। पीयूष, पीयूष रुक। मीना, राज, मोहित। पीयूष तू क्या बोल रहा है यार, तेरी मीना यहाँ आई नहीं थी, वो तो घर से गायब हुई थी। बोल क्या है पीयूष? पीयूष नहीं, पीयूष नहीं, पीयूष मत जा, पीयूष, पीयूष। पीयूष मीना, पीयूष मत जा यार। मीना, पीयूष मत जा। देख यार ये मजाक नहीं है। पीयूष, 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 मिसेस साहिल जी कहिए। हाय, हम अभी अभी झील से होके आ रहे हैं। उस झील में हमें एक ग्लाइड मिला है जिस पर आपकी कंपनी का लोगो है। व्हाट, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमारी सारी ग्लाइड्स तो स्टोरेज रूम में। आर यू श्योर? क्या आप लोगों को पूरा यकीन है कि आपके स्टोरेज में से एक भी ग्लाइड गायब या कम नहीं हुई? एक मिनट, एक मिनट, एक ग्लाइड कम है जो मोहित लेकर गया था। मोहित? मोहित कौन? मोहित एक्चुअली हमारी ग्लाइडिंग टीम का एक हिस्सा है। वो कल एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसमें वो गिर गया। हम लोग उसे ढूंढने के लिए गए भी थे झील की तरफ, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। शायद मजाक कर रहा होगा। मजाक? हाँ, वो अक्सर ऐसे मजाक करता रहता है हमारे साथ। शायद इस बार ये मजाक ना हो सकता है कि वाकई वो उस झील में डूब गया। आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है। वो अपने कॉलेज का स्विमिंग चैंपियन था, वो डूब के मर ही नहीं सकता। तो फिर वो ग्लाइड वहां पे पहुंची कैसे? हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। व्हाट, कैसे? ओके थैंक्स यार, बड़ी अजीब चीज हो गई है। क्या? वो कल रात को मैंने राज को गाड़ी दी थी ना। हाँ, वो सड़क पे लावारिस मिली है और राज भी गायब है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ये राज कौन है? हमारा दोस्त। देख तू घबरा मत, मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ। उसका फोन बंद आ रहा है। चल मेरे घर चलते हैं, वो गाड़ी भी वहीं पे पहुंचा दी गई है। हम लोग भी तुम लोगों के साथ ही चलते हैं। कहाँ मिली आपको ये कार? ये गाड़ी मेरे पास वॉशिंग के लिए आई थी, और पता नहीं जो आदमी ये गाड़ी लेकर आया था वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? यार अजीब है ये राज, वो ना एक्चुअली मैंने ये गाड़ी अपने दोस्त राज को दी थी। लेकिन कार के आसपास कोई तो दिखा होगा आपको,
यहाँ वहाँ कोई तो होगा। गाड़ी के पास कोई भी नहीं था। गाड़ी में पेपर से उससे पता चला ये गाड़ी आपकी है। सो मैं लेके आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पैसे हुए आपके? 500। एक मिनट। ये गाड़ी में खून कहाँ से आया? वही तो बोल रहा हूँ, आपका दोस्त था। जैसे कार वॉश के बाद मैंने दरवाजा खोला, अंदर आपका दोस्त नहीं था, सिर्फ खून की चीटे थे। चल चल कर देखते। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले मोहित और अब राज, और उस पे एक खून। जरूर राज के साथ कुछ बुरा हो गया। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार मुझे भी। तो एक काम करना, वीरू और पीयूष को फोन करना। अरे यार ये लोग भी फोन नहीं उठा रहे। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हम सब पर। ये जो लोग गायब हो रहे, क्या बता सकते हैं सब कब से हो रहा है? जिस दिन से हम उस मनहूस झील पे गए, बस तभी से ये सब हो रहा है। उस झील के बारे में तुम्हें क्या मालूम? बस इतना ही पता है कि वो झील 25 साल पुरानी है। 25 साल पुरानी? बस उससे पहले? लोग कहते हैं कि ये झील उससे पहले थी ही नहीं। क्या वहां झील नहीं थी? तो फिर क्या था? पता नहीं। हमें पता लगाना ही होगा कि उस झील का राज क्या है। अगर आप लोगों के दोस्त वापस आ जाए तो आप लोग प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर। चलो यार, तू जल्दी से पीयूष के घर जा, तू देख वो ठीक है कि नहीं। हाँ मैं वहां जाता हूँ, तब तक तू वीरू को जाके देख। हाँ मैं बस जल्दी से रेडी होके बस वहीं जा रहा हूँ। मैं वहां पहुंच के तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना भाई। हाँ यार तू भी। कितने पैसे हुए आपके? 500। एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। नल अपने आप तेज कैसे होगी? ये नल अपने आप चालू कैसे हो गया? Thank you.
ये आखिरी है बस। 25 साल पहले की बात, पता नहीं वो खबर हमें मिलेगी या नहीं। अचानक से एक दिन सूखी जमीन पर झील आ गई, ऐसी चौंकाने वाली खबर तो न्यूज़पेपर में होनी ही चाहिए। तेज बारिश ने गांव को डुबो दिया। नई झील का निर्माण। राघव हर्ष, ये देख। इसका मतलब 25 साल पहले तेज बारिश की वजह से ये गांव झील बन गया। हाँ, सारे गांव वाले वहां से भाग गए थे सिवाय एक परिवार के, जिनकी बाद में मौत हो गई। उस झील के अंदर जो आत्माएं हैं, कहीं वो उन परिवार वालों की तो नहीं? हो सकता है। एक मिनट, इस खबर में तो ये लिखा है कि उस परिवार का सबसे छोटा बेटा बच गया था, लेकिन वो तब से लापता है। फिर तो शायद वो छोटा बेटा अभी भी जिंदा, और वो रोक पाए इस मौत के तांडव को। पर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? इस परिवार के पड़ोसी विजय ने खबर दी थी अखबार वालों को। मतलब शायद विजय कुछ जानता हो उस छोटे बेटे के बारे में। हाँ, मैंने ही बताया था अखबार वालों को उस दुर्घटना के बारे में। आज भी जब उस घटना के बारे में याद करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो परिवार अपने घर में इंतजार कर रहा था अपने बेटे के वापस आने का। नाम क्या था उसका? विपुल, मेरा दोस्त था वो। वापस नहीं आया। उसके परिवार वाले डूब गए बाढ़ के पानी में उसका इंतजार करते करते। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों को वापस मिलने ही ना गए? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। सगे माँ बाप से बढ़कर कुछ होता है क्या? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। और कितने लोगों की जान लेगा? फिर कहाँ है तू? पहले साहिल, मोहित, वीरू और कितने लोगों की जान लेगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ूंगा। पानी है जहर, एक एक करके सबको निकल गया। Oh!
आप विपुल ही है ना? हाँ मैं ही। आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि झील के अंदर कौन है। क्या झील? क्या बात है? झील का नाम सुनकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? चले जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहां से। मार डालेगी वो झील मुझे, मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? झील के अंदर तो आपका परिवार ही तो है। मरा हुआ परिवार है ना? ये तुम लोगों को कैसे पता? कैसे पता तुम लोगों को? आपके घर वालों ने कई मासूम लोगों की जाने ली हैं। हम चाहते हैं कि ये मौत का खेल रोकने में आप हमारी मदद करें। मार डालेंगे वो लोग मुझे भी, मार डालेंगे। आप चलिए हमारे साथ। नहीं जाऊंगा मैं वहां, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। कायरों की तरह घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना चाहिए 25 साल पहले उस शाम के लिए जब आपके गांव में बाढ़ आई। ये मेरा और मेरे परिवार का आपसे मामला है। तुम कौन हो तो बीच में बोले बोले? मैं कहता हूं निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, जाओ। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, अब और लोगों को मरने नहीं देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है, मैं विपुल जी का बेटा हूं। ओ, तो तुम विपुल के बेटे हो। कभी कभी पिता के पापों का बोझ बेटे को उठाना पड़ता है। लेकिन राहुल, झील पर जाना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, और जो लोग पानी में है वो मेरे परिवार वाले ही हैं। शायद मुझे नुकसान ना पहुंचाए। ये पानी जहरीला है। पानी अमृत होता रहा, लेकिन गुस्से और बदले की कड़वाहट ने इस अमृत जैसे पानी को जहर बना दिया है। एक ऐसा जहर जो एक एक करके लोगों को मार रहा है। यह जहर वापस अमृत कब बनेगा? जब मैं अपने पिता की गलतियों की माफी मांग लूंगा। अपने पूर्वजनों से राहुल, मैं ऐसे अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा।
हर्ष, ये लो। हर्ष, हर्ष तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों अपने आप को बार बार आफत में डालते? क्या जरूरत है ये सब करने की? इस खूनी झील का ये मौत का सिलसिला रोकने के लिए मेरा झील के अंदर जाना बहुत जरूरी था यामिनी। मेरे पिता इसके जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी जान देकर 25 साल पहले किए पाप का प्रायश्चित किया। लेकिन यही प्रायश्चित अगर उन्होंने 25 साल पहले किया होता तो इन मासूमों की जान ना गई होती।